Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल Biz Analyst के साथ। देश के करीब आधा दर्जन राज्यों में कोयले की कमी है, यानी बिजली संकट है, और इस वजह से देश भर में बिजली की कमी की वजह से लोगों में परेशानी हो रही है। देश भर के 85 पावर प्लांट्स में कोयले खत्म होने के कगार पर है, यानी उसके बाद बिजली कटौती होगी। कई राज्यों में बिजली की कटौती भी हो रही है। भारत के थर्मल पावर प्लांट में करीब 75% बिजली कोयले से बनती है और भारत दुनिया का छठा ऐसा देश है जिसके पास कोयले की भंडार सबसे ज्यादा है। लेकिन इसके बाद भी 319 अरब टन कोयले का भंडारण भारत में अभी भी रिजर्व है, यानी सुरक्षित है। इसके बाद भी भारत में बिजली की कमी हो रही है, लेकिन ये कमी क्यों हो रही है? जब इतने कोयले का भंडारण है, इसके बाद भी बिजली की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि अमेरिका, चीन, रूस, कनाडा के बाद भारत का नंबर आता है कोयले के भंडारण में। जब सबसे पहले रेलवे आया था, यानी जब सबसे पहले रेल इंजन आया था, तब भी भारत में कोयले से उसे चलाया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी आज 319 अरब टन कोयले का भंडारण होने के बाद भी देश में बिजली की कमी हो रही है। तो इसे समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उससे पहले अगर डेटा पे नजर डालें तो 319 अरब टन भारत में कोयले का भंडारण है। 442 कोयला खादाने 2021 तक भारत में थी। 78 करोड़ कोयला 2021-22 में बना था। 50% से ज्यादा बिजली कोयले से बनती है और 17 करोड़ टन कोयला आयात किया जाता है। 1,311 रुपए का खर्चा एक टन कोयला बनाने में आता है। 60% प्लांट में कोयले का स्टॉक 25% से भी कम है। आज से 30 करोड़ साल पहले जब जंगल ही जंगल हुआ करता था, उसके बाद पेड़ पौधे धीरे धीरे जमीन में दबते चले गए। उसके बाद यही पेड़ पौधा से कोयला बना और इस कोयले को ही जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। आज हम कोयले की कहानी को समझेंगे कि भारत में 250 साल पहले कोयले खनन की कहानी शुरू हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज बिजली का संकट है। तो इसे हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार नारायणगुड़ी इलाके में कोयले का खनन किया। नारायणगुड़ी पश्चिम बंगाल के रानीगंज में पड़ता है, लेकिन ये वो दौर था जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी और कोयले की मांग काफी कम थी। 1853 में ब्रिटेन में भाप से चलने वाले इंजन का विकास किया गया। इसने भारत में कोयले के उत्पादन और मांग को भी बढ़ा दिया। 20वीं सदी के शुरुआत तक भारत में हर साल 61 लाख टन कोयले का उत्पादन होने लगा। 1920 तक भारत में कोयले का उत्पादन सालाना 1.8 करोड़ टन तक पहुंच गया। आजादी के बाद भारत की मांग और जरूरतों के हिसाब से दोनों बढ़ी, जिसमें कोयले पर निर्भरता बढ़ा दी। भारत में लगभग 85% कोयले का उत्पादन कोल इंडिया करती है। 2021-22 में भारत में 77.76 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ था, जिसमें से 62.26 करोड़ टन से ज्यादा कोयले का उत्पादन कोल इंडिया ने किया था। पिछले 5 साल में भारत में कितने टन कोयले का उत्पादन किया गया, अगर इस आंकड़े को देखें तो ये लंबे चौड़े आंकड़े हैं। इसके हिसाब से लगभग 2016-17 में 65.78 टन और 2017-18 में 67.54 टन, 2018-19 में 72.87 टन, 2019-20 में 73.8 टन और 2020-21 में 71.60 टन का उत्पादन किया गया। 2021-22 में 77.76 टन कोयले का उत्पादन भारत में किया गया। सबसे ज्यादा कोयले का खपत चीन के बाद भारत में होती है और भारत में अभी भी 319 अरब टन कोयले रिजर्व रखा गया है, यानी उसे सुरक्षित रखा गया है। भारत के अगर राज्यों की बात करें कि सबसे ज्यादा किस राज्य में कोयले को रिजर्व रखा गया, तो उसमें पहला नंबर झारखंड का आता है। उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। झारखंड में 83 अरब टन से ज्यादा का कोयले का भंडारण है। उसके बाद 319 अरब टन भारत सरकार के पास अभी भी कोयले का भंडारण है। फिर भी ये समझते हैं कि इतने भंडारण के बाद भी, कोयले के भंडारण के बाद भी बिजली संकट क्यों आ रही है। पावर मिनिस्ट्री के मुताबिक 29 अप्रैल को देश में बिजली की डिमांड ने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 28 अप्रैल को देश में बिजली की डिमांड 2.07 लाख मेगावाट थी,
लेकिन इतनी डिमांड होने के बावजूद कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि रेलवे ने 650 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है ताकि पावर प्लांट तक जल्द से जल्द कोयला पहुंचाया जा सके। कोयला से बिजली पैदा करने वाले थर्मल पावर प्लांट में कम से कम 26 दिन का कोल स्टॉक होना चाहिए, लेकिन देश के कई सारे ऐसे पावर प्लांट हैं जहां 10 दिन से कम का कोयला बचा है। कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जहां यह 1-2 दिन में खत्म होने वाला है। लेकिन ये भी है कि भारत में जितनी संख्या में इस बार बिजली की डिमांड की गई वो शायद इससे 5 साल पहले नहीं की गई थी। अगर 5 साल के बिजली डिमांड की बात की जाए कि भारत में कितनी बिजली डिमांड 5 साल में किया गया, उस पर नजर अगर डालें तो भारत सरकार के मुताबिक 2017-18 में 164 गीगावाट, 2018-19 में 177 गीगावाट, 19-20 में 183 गीगावाट, 2020-21 में 190 गीगावाट, 2021-22 में 203 गीगावाट बिजली का डिमांड रहा। यानी 2022 में 203 गीगावाट, यानी 5 साल में सबसे ज्यादा डिमांड बिजली का 2022 में अभी तक हो रहा है। भारत में हर दिन 4 लाख मेगावाट यानी 400 गीगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करने की क्षमता है। इसमें से आधे से ज्यादा बिजली कोयले से ही पैदा होती है। इसमें से भी ज्यादातर बिजली घरेलू कोयले से बनती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी देश में 165 पावर प्लांट में से 100 में 25% से भी कम कोयला का स्टॉक बचा है। इसी साल फरवरी में कोयला मंत्री आर के सिंह ने लोकसभा में बताया था कि 2024-25 तक कोयले का उत्पादन बढ़ाकर सालाना 1 अरब टन से भी ज्यादा बढ़ाने का टारगेट है। देश भर के आधा दर्जन राज्यों में बिजली का संकट है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में बिजली संकट गहराता जा रहा है और जिस वजह से ही बिजली की कटौती भी हो रही है। ऐसे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोयले का स्टॉक भी जरूरत के अनुपात में महज 26% ही बचा है। इससे बिजली संकट और भी गहराता जा रहा है और खतरा भी बढ़ती जा रही है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल 150 थर्मल पावर प्लांट में 81 घरेलू कोयले का उत्पादन कर रहे हैं। यहां स्थिति खराब है। प्राइवेट सेक्टर के 54 में से 28 पावर प्लांट में भी हालात चिंताजनक है। भारत में 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है, लेकिन कोयले के ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे रैक की उपलब्धता कम होने और कोयले के आयात में कमी के कारण सप्लाई बाधित हुई है। ऐसे में देश में बढ़ी बिजली की मांग पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी देश के पास अभी भी 319 अरब टन कोयले का भंडारण रिजर्व है, लेकिन देखना यह होगा कि भारत सरकार इस रिजर्व कोयले में से कब तक देश के 85 पावर प्लांट्स के पास कोयले का भंडारण पहुंचा पाती है, जिससे लोगों को राहत मिले और बिजली संकट की समस्याएं दूर हो सके। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।